आकांक्षा पुरी ने चुप्पी तोड़ दी है मीका सिंह के साथ रिश्ते पर, कही एक बड़ी बात और आखिरकार क्या सच में है रिलेशनशिप में या नहीं, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। भाई मैंने आप सबको बताया था कि आकांक्षा पुरी ने एक स्टोरी शेयर करी है और इस स्टोरी में मीका सिंह और आकांक्षा पुरी और कई और लोग भी नजर आ रहे हैं, जिसमें फीलिंग ब्लेस्ड विद मीका सिंह लिखा था यहाँ पर आकांक्षा पुरी ने, और जिसके बाद में हर किसी ने यही सोचा कि भैया आकांक्षा पुरी और मीका सिंह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब दोनों की एंगेजमेंट हो रही है। वेल गाइस, अब आपको बता दूं कि फाइनली आकांक्षा पुरी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कह दिया है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है और ना ही होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर आकांक्षा पुरी कहती है कि भाई पहले तो हम लोग कमेंट्स पढ़ के हंस रहे थे, लेकिन बाद में हमें लगा कि जब इतने सारे कंग्रेचुलेशंस के हमने मैसेजेस पढ़ लिए, उसके बाद रियलाइज किया कि अब फैंस को जो है वो बता देना चाहिए कि क्या सच्चाई है। तो यहाँ पर वो कहती है कि वो मतलब आकांक्षा पुरी और मीका सिंह एक दूसरे को 12 सालों से जानते हैं और 12 सालों से उनकी काफी अच्छी दोस्ती है, इनफैक्ट एक फैमिली की तरह है। और अगर आप लोग सोच रहे कि मेरी उनके साथ एंगेजमेंट हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हमारा ऐसा कोई प्लान है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इत्तफाक से उस दिन 1 अप्रैल था, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि भैया कहीं ना कहीं अप्रैल फूल भी बनाया जा रहा होगा, तो ये एक प्रैंक के तौर पर भी लगा। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि भाई देखो प्रैंक तो नहीं था, वो जितने भी फोटोज और वीडियोज थे वो सारे जेन्युइन थे, लेकिन हमारा कोई रोका नहीं हुआ है, कोई एंगेजमेंट नहीं है, ये बात भी कंफर्म है। तो गाइज, आप लोगों से जानना चाहूंगी कि मीका सिंह और आकांक्षा पुरी का जो ये रिएक्शन आए हैं, आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोग ने भी एक्सपेक्ट कर लिया था कि दोनों ने सगाई कर ली है? वेल, राय अपनी बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।